हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारा लंच होगा इंडियन स्मॉल का वीएम है एज ऑफ नाउ। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा हो रहा है। आज हमारा लंच का प्लान जो है वो इस रेस्टोरेंट में है, मन भवानी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी वजह से हम अभी क्यू में खड़े हैं। शिवानी भी यहाँ खड़ी है एंड इसका अंदर का एम्बियंस कुछ इस टाइप का है। इन्होंने यहाँ का जो एम्बियंस बना रखा है वो जयपुर टाइप का एम्बियंस बना रखा है। हमने जो ऑर्डर किया अनलिमिटेड थाली ऑर्डर की है, देखते हैं किस टाइप की आती है। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थाली हमारी लग चुकी है, देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। थाली हमारी धीरे धीरे इसमें जो आइटम्स है वो इसमें फिल हो रही हैं। राइस हनी में धीरे धीरे आइटम्स फिल होते जाएंगे। ऐसे खेते हैं नीचे बैठ के लेंगे। शिवानी कैसा है? चूरमा काफ़ी अच्छा है। छोटी वाली रोटी जो है ये साग के साथ खाने के लिए। खाना बहुत अच्छा है यार, बहुत यम्मी है। छाछ भी दी है इन्होंने, देख रहे हो आप, प्लेट मैंने फिनिश कर भी दी। शिवानी भी खा रही है धीरे धीरे। सबसे अच्छा आइटम जो है वो है दाल बाटी चूरमा, काफ़ी ऑथेंटिक है और प्रॉपर जयपुर वाला ही टेस्ट है और सरसों का स्वाद भी काफ़ी डिलीशियस है। लुक एट द साइज ऑफ रोटी, हल्का सा घी लगा हुआ और पूरी का साइज़ देखिए आप, एकदम गरम गरम आ रही है। गरम गरम खाने में अलग ही मज़ा होता है। शिवानी को मैं बाबा टॉन्ट मारता हूँ कि इसकी रोटी बहुत छोटी रहती है, लेकिन यहाँ पे इसकी रोटी से भी ज़्यादा छोटी रोटी है। शिवानी की आपकी रोटी भी इससे बड़ी लगती है अब तो। सो आज के लंच का एंड करेंगे हम खिचड़ी के साथ और राइस के साथ, बिकॉज बिना राइस के लंच अधूरा है। सो खाना कंप्लीट हो गया, पेट भर गया, अब खिचड़ी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। शिवानी हैज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड इट्स। मीठे में तीन आइटम्स हैं, एक कस्टर्ड है, ये मूंग दाल का हलवा और गुलाब जामुन। सो फाइनली हमने अपना मील कंप्लीट कर लिया। वर्डिट में आपको एंड में बताऊंगा कि इट वॉज वर्थ और नॉट। सो फाइनल वर्डिट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक वेजिटेरियन लवर है, वेज लवर है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन पर्सन हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा। और टेस्ट भी वॉज गुड गुड, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, टेस्ट वॉज गुड। सभी निकलते हैं यहाँ से, गुड बाय।